₹150 के बिरयानी समझो इंडिया का ₹250 हो गया। और एक मार्केट उधर भी है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं अभी। वाह बड़ी पुलिस है, पुलिस वाला आपको भगा दिया वहाँ से? हाँ भगा दिया। तो यहाँ पे जो है ना स्कूल में जो लैंग्वेज है ना हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, तो काफी लोग जो स्कूल में जो है ना हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गया यार अभी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ वापस से एक नई वीडियो में। तो अभी 12:30 बज रहा है और मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। तो मेरा नाम आरिफ है और मैं मॉरीशस में रहता हूँ और कभी कभी यूट्यूब के लिए पार्ट टाइम काम करता हूँ। तो आज सैटरडे है और इससे जो पहले वीडियो देखे थे वो कीप अप कर दिया, तो उसी दिन मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। और ये है दूसरा पार्ट। तो जो मुझे पहले से देखता है उन लोगों को तो मालूम होगा, जो मुझे नहीं देख रहा पहली बार देख रहा है वो उसको मालूम नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा था। एकदम मौसम खराब होने वाला है, अभी बारिश जैसा लग रहा है क्योंकि अभी जो है ना बहुत तेज हवा चल रहा है और ऐसे भी यहाँ पे ठंडी का मौसम आ गया है। अभी इंडिया में शायद गर्मी होगा, यहाँ पे ठंडी का मौसम आ गया, तो बारिश आने वाली है भाई। बिरयानी खाओगे क्या? खड़े होकर कौन खाएगा? तो क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ मच? चिकन 150, फिश 150। कहाँ खाओगे बैठ के? गार्डन में। गार्डन? नो प्रॉब्लम। गार्डन 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 वो साइड में ले लो। बोलो पावडर चिकन एक जीबू सुपर इसी को पका लो। लो चिकन कितना बोला? हाउ मच? 150। वहाँ पे पार्क में बैठ के खा सकते हैं? पार्क में यहाँ के पास में छोटा सा पार्क है जहाँ पे हम लोग बैठ के खाते हैं। एक कर लो। दो दो नहीं, मैं एक नहीं खाया, एक नहीं खाया मैंने, एक दो एक एक खाएगा। हाँ तो आप ही खाओ, मैं नहीं खाएगा। अच्छा दो लो ना। नहीं नहीं एक ठीक है भैया। तुम खाओगे तो वहाँ पे खा लेना, मैं नहीं खाऊंगा। ले रहे हो ना? एक ही ले रहा हूँ। ₹50 तो वापस दे दिया ना, ₹100 दे दिया ना। फोन में बात करना, बात करा ना, समझ में नहीं आ रहा है। ₹150 के बिरयानी समझो इंडिया का ₹250 हो गया। अभी पैकिंग कर रहे हैं, छोटा सा पार्क है वहाँ पे जाकर खाएंगे, तो वहाँ पे छोटा सा पार्क में घूमेंगे फिर चलेंगे। बिरयानी ले लिए, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी का ₹150 प्राइस है। हाँ मुस्लिम है भाई, मुस्लिम है। चमचा दिया? हाँ सब कुछ दिया। एक पंजाबी पानी पूरी वाला है ऊपर, एक कोने पे पंजाबी टेस्ट है। यहाँ पे बिल्कुल भी बकवास है, पानी पूरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे खाने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रहा है। इंडियन है और ये जो है ना एक सब्जी मार्केट है, उसके पास में एक छोटा सा पार्क है। लाल बत्ती नहीं हुआ भाई, अभी मत जाओ, नहीं ठोक देगा तो फिर पता नहीं चलेगा, कोई उठाने भी नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं है ना यहाँ पे? ट्रैफिक नहीं है, वो क्या सिग्नल है? दिया ना सिग्नल। तो अभी उस साइड से आएंगे तो इस मार्केट में भी जाएंगे और फिर वापस ले। और एक मार्केट उधर भी है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं अभी। उधर आगे से रास्ता है, इधर से रास्ता हो ना। और सैटरडे के दिन आपको इस भी मार्केट में आपको ज़्यादा आदमी देखने के लिए मिलेगा। अगर संडे को तो आते हो तो बिल्कुल भी आदमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, पूरा खाली खाली देखने के लिए मिलेगा। और एक बात बता देता हूँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो में आप देख रहे हो तो आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या कहीं से भी आ रहे हो तो आप अपना जैकेट लेके आना साथ में, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है अभी और इंडिया में अभी गर्मी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीजन चलता है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर काम करने के लिए आ रहे हो तो आप अपना जैकेट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड होने वाली है। ठंड होने वाली नहीं, शुरू हो गया है। अरे भाई खाओगे आप? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये खा रहा है बिरयानी भाई लेके आया था, और मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बाहर जब भी निकलता हूँ ना तो मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि
मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर का खाना, घर का खाना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बिरयानी लिया है 150 रुपये का चिकन बिरयानी, उसके साथ चटनी भी लिया है। और ये मैं इसको बोला था दो मत लो, क्योंकि एक बिरयानी में इतना ज़्यादा जो रहता है ना कि एक इंसान नहीं खा पाता है, तो इसलिए मैंने दो नहीं लिया, क्योंकि पैसा वेस्ट कोई फ़ायदा नहीं है। और अरे भाई का स्टाइल देखो, खाना भी चश्मा लगा है खा रहा है यार। मैं ना बारिश आ गया, जल्दी भागो यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वो देखो अंकल छाता छाता खोल लिया है। अंकल क्या क्या बेच रहे हो आप? ये अभी पॉइजन है। पॉइजन अंकल का वीडियो डाल दो यूट्यूब पे अंकल। हाँ ये अंकल है, कुछ भी सामान लेना है तो आप अपना नाम बता दो दुकान का। मेरे नाम सुभाष है। सुभाष बारिश आ गया, भागो यहाँ से भाई, बारिश आ गया यार, बारिश आ गया, भागो यहाँ से। मैं तुम रहो यार, मैं नहीं रहेगा। जूता पकड़ो यार, मैं खाएगा बिरयानी को। अरे दली दो यार, खाएगा बयान से। वो देखो बिरयानी इतना टेस्टी है ना, वो खाएगा तब तक जाएगा नहीं, और मैं भाग रहा हूँ यहाँ से क्योंकि बारिश चालू हो गया भाई। बारिश आया, खत्म भी हो गया क्या? बारिश खत्म हो गया भाई, बारिश जो है ना कभी भी चालू हो गया। मैं अंकल से बात कर रहा था और बारिश आ गया, तो मैं और बहुत सारा बात करता, क्योंकि यहाँ पे सभी को मोटा पतला हिंदी आ जाता, 50% लोग हिंदी बोलता है, इसलिए मैं सोच रहा था अंकल से बात करूँगा, लेकिन अंकल जो है ना मतलब बारिश आ गया, मैं तुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए सोचता हूँ कि बात नहीं हो पाया उससे। अंकल बारिश खत्म हो गया। वहाँ मेरे पास था, वहाँ पर पुलिस है। पुलिस वाला आपको भगा दिया वहाँ से? हाँ भगा दिया। और वहाँ पर दुकान था आपका? दुकान नहीं, मैं खड़ा होकर बैठ रहा था यार। यहाँ पे पुलिस वाला भी ऐसे करता है? इलीगल है। इलीगल। अंकल से ना बहुत सारा बात करना है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर से बड्डू बना रहा था ना, तो मैं सोचता हूँ अंदर जाकर बात करता हूँ, क्योंकि अंकल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उससे मैं पूछता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ का बारिश है ना, ऐसे बारिश होगा कि थोड़ा थोड़ा बारिश होगा, फिर चला जाएगा, फिर आ गया, फिर चला जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पे बारिश। अंकल वहाँ पे क्या हुआ था, पुलिस वाला आपको क्यों भगा दिया वहाँ से? तो हम नहीं सकते है काम करेंगे, पता नहीं है लाइसेंस। इलीगल इलीगल है। सब जाएगा ना, यही प्रॉब्लम है। क्या है कि अगर आप लोग कुछ मेहनत करना चाहते हो तो रास्ते में मेहनत नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा दुकान था अंकल का, जैसे कि खड़ा होकर बेच रहा था, जिसका मर्जी वो ले सकता था, थोड़ा सस्ता में बेचता है, दुकान में ज़्यादा महंगा मिलता है। तो अंकल जो है ना वहाँ पे खड़ा होकर बेच रहा था, तो पुलिस वाला ने वहाँ से हटा दिया। अंकल आपका उम्र कितना हुआ अभी? 66। तो आपको तो 10,000 मिलता है गवर्नमेंट से? वाइफ नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ अंकल को, 10,000 किससे मिलता है? यहाँ का गवर्नमेंट जो है ना, जब 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है ना, तो यहाँ पे 10,000 हर महीने, मतलब उम्र जो है ना 60 साल से ऊपर, उसको 10,000 देता है मॉरिशन मनी। तो इंडिया कम से कम 17-18 हज़ार हो जाता है। इंडिया घूमने गए थे आप? नहीं। हाँ तो आपको इतना अच्छा हिंदी कैसे आता है? स्कूल में पढ़ाई की है। तो यहाँ पे जो है ना स्कूल में जो लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, तो काफी लोग जो स्कूल में जो है ना हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है। यहाँ पे भोजपुरी चलता है, भोजपुरी भी चलता है, हिंदी भी चलता है, यहाँ पे हिंदी गाना बजता है, हिंदी सॉन्ग मतलब हिंदी मूवी भी चलता है। तो आप लोग यहाँ पे आओगे तो इंडिया से हो या नेपाल से हो या बांग्लादेश से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे ना जब से 12 घंटे से ज्यादा आदमी बांग्लादेश के रहता है, हम लोग इंडियन है, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो हम लोग बांग्लादेश का बोला जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बांग्लादेश का आदमी रहता है भाई काम करने वाला। तो अंकल से बात किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा। हाँ नमस्ते। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गया यार अभी। क्या है कि मेरा कैमरा में ना पानी लग गया था, इसलिए साफ नहीं दिख रहा था, तो साफ कर रहा था यार। जब भी यहाँ पे बारिश होती है ना,
हाँ मॉरीशस एक ऐसा देश है जो दिन भर में एक ना एक बार बारिश हो ही जाता है। केपिक में हो या कहीं पे भी हो भाई, कल भी पूरा दिन बारिश हो रहा था। कौन सा देख ले लोगे? देख लेगा क्या है, एक जूता ले लिया ना भाई, तो उसके रखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बैग लेने की सोच रहा है। और मेरा जो बैग में, मेरा जो कांधे पे बैग है ना, वो उसमें नहीं आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिया। इधर से आओ, इधर से ये मार्केट जो है ना 3 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आगे चलो यार, ये देखो कितना बड़ा बड़ा कद्दू है यार। इधर से क्या है कि बारिश चालू हो गया ना, तो ये जो है ना मार्केट है ना, काफ़ी पुराना मार्केट है, इसीलिए बारिश चालू हो जाता है तो पानी ऊपर से गिरता है और सब भीग जाता है, इसलिए यहाँ पे आकर सब देखो कैसा हाल है भाई। ठंड भी लगना चालू हो गया, हाँ ठंड लग रहा है यार। और एक बार आया था तो ऐसा ही हुआ था, और मेरा दूसरे दिन तबीयत खराब हो गया था, तो यार क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस साइड में ना एक मार्केट था जहाँ पे मैं जाने वाला था, लेकिन बारिश होने के कारण नहीं जा पा रहा हूँ, काफ़ी तेज बारिश चालू हो गया। एक तो बारिश, ऊपर से ठंड। आप लोग सोच रहे हो कि मैं शर्ट पहना हूँ तो ठंड कहाँ से आया, ठंड लग रहा है भाई, आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा है लेकिन मुझे ठंड लग रहा है। आप लोग यहाँ से आ रहे हो तो मैं कि 2-3 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी, और मुरैसे से आ रहे हो तो इंडिया में भी गर्मी हो रही है, बांग्लादेश में भी गर्मी हो रही है, नेपाल में भी गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ठंड हो रही है, तो अपना जैकेट खरीद के लेके आना, और यहाँ पे आकर जैकेट खरीदते हो तो ज़्यादा प्राइस लगेगा और सस्ता भी मिलता है। जो छोटा मार्केट होता है ना उसमें से खरीदोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इंडिया जैसा नहीं मिलेगा। कुछ भी आपको ज़रूरत का सामान लगता है तो ज़्यादा लेके आओ, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी पैसा देना पड़ेगा। अभी जो है ना काफ़ी तेज बारिश हो रहा है, तो रुकने का अभी कोई चांस नहीं है, काफ़ी देर तक बारिश होने वाला है, और काफ़ी टाइम के बाद मैं इतना तेज़ बारिश देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।